हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। आपकी वीडियो देख रहे हैं आज की मशीन में। कैसी क्या है एक्चुअली, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था एक ऐसा स्टैंड बनाने के लिए जो कि गाइस ज्यादा हाइट पे, इसलिए आपको टॉप व्यू नहीं दिख पा रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप की चर्चा करूँ तो यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा रखा है जो कि गाइस डाउन में रोशनी दे सके एंड ऊपर दोनों साइड चिपकने वाला टेप है जो कि गाइस मैं कोई चीज रखूँ तो आगे गिरे ना, तो ग्रिपिंग के लिए ये है। और गाइस यहाँ पे आपको एक इसी के ऊपर से मैंने वायर निकाल रखी है। गाइस नॉर्मल होल्डर प्रोसेस था, दो कस कसने थे और कुछ नहीं था। और गाइस वायर के लिए हमने यहाँ पे पीछे से पूरी वायर कर रखी है जो गाइस आप देख सकते हैं। अब गाइस इसे लगा के मैं आपको यूज बताता हूँ इसका, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यार, महंगे स्टैंड लेने से अच्छा खुद अपने आप बनाया जा सकता है। तो गाइस इस तरीके से पूरा स्टैंड है जो कि ऐसे टिक जाता है। एंड अभी इसका मैं वायर लगा देता हूँ जो कि गाइस वायर लगा रखी है फिलहाल अभी और ऑन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इस हिसाब से जो भी है वायर पीछे चली जाती है, मतलब ये है कि आपको दिखा रहा हूँ, तो इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दी है। और बहुत टाइम पे मैं कभी कभी ये होता है यार मुझे ऊपर से टॉप शॉट लेने हैं तो मैं कैसे लूँ, तो यहाँ पे मैं कैमरे का व्यूइंग एंगल कंप्लीट करके पहले ऑन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं इस हिसाब से मुझे कोई भी सॉल्व करना होता है कोई भी चीज। गाइस एक एग्जांपल ले रहे हैं कि क्यूब का, तो इस तरीके से ऊपर से रोशनी है पूरी मिलती है मुझे यहाँ पे और मैं अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से क्यूब या कुछ भी चीजें आपको मिलने वाली है, कुछ ऐसी वीडियो जो कि गाइस अब टॉप से आपको क्लियर अच्छी मिलेंगी देखने के लिए। तो गाइस बंद करते हैं और वीडियो का भी आपने देख ली होगी कैमरे की, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और जो इसका प्रोसेस है वो भी कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो गाइस चलिए कैसे बनाया स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज हम तैयार करेंगे एक टॉप स्टैंड जिसमें मैं ऊपर मोबाइल या कैमरा कोई भी रख के आराम से बॉटम की वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आती है यार। एक्चुअल में मेरा जो स्टैंड है वो फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है इजिली, बट टॉप व्यू से मैं कुछ नहीं कर पाता, कोई चीज़ खोल के दिखाना चाहूँ तो गाइस नहीं पॉसिबल होती है। तो गाइस आज उसी का स्टैंड बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको एक ब्लेड चाहिए और ये यहाँ पे मेरे पास घर में ही पड़ी थी खराब, जो चौखट और ब्रांड में पट्टी लगती है तो उस हिसाब की, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एक साइज की काट लेंगे सब, कि ये कैसे यूज करना है सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, दिखती नहीं है। और एक छोटी सी लकड़ी कटी भी मिल गई है तो हमें थोड़ी सी और कम मेहनत करना पड़ेगी, तो हमें इसके साइज की एक पहले ये काट लेंगे, जो कि क्योंकि हम इसे इस तरीके से रखेंगे दोनों को, और मतलब यह है कि आगे से गिरे ना, थोड़ा सा पीछे वेट रहेगा, तो यहाँ पे फेस करके ऐसे निकालेंगे हम आगे। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला लेते हैं एंड निशान लगा लेते हैं। जो गैस एक ये भी मिला, ये भी बहुत काम आएगा हमारे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बांध देते हैं पीछे। गैस आप नॉर्मली स्टील ब्लेड खरीद सकते हैं, तो मैंने एक स्क्रू लगा रखा है जिससे पीछे नहीं खींच सकता ये, और यहाँ से हाथ बच जाएंगे। यस परफेक्ट है। फंसाने से ये फायदा होगा, आई मीन ऐसे फंसाएंगे नीचे से ऊपर की साइड, यहाँ पे थोड़ी सी काटना पड़ेगी क्योंकि जो हमें काटना है वो एक ही बारी में काटना है, हमारे पास घिस के बराबर करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम बहुत सारे लोगों को इसमें की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये फिट कर देंगे, मतलब ये है कि मैं सामने से किले ठोकूंगा तो ये फट जाएगी लकड़ी, तो मैं इसे इस हिसाब से थोड़ा वेटेड भी चाहिए था तो ये भी काम हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे। तो इसमें कितनी बड़ी कीले ठुकेंगे गाइस मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो
दोस्तों हमने इस तरीके से इसे ठोक दिया है कि अब ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आपको टाइमर दे दूंगा, इस हिसाब से करना है ये लमसम, इस हिसाब से लगेगा और ये थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। तो अब हम इस तरीके से फिट करेंगे, तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे फिट कर देंगे और आगे का प्रोसेस भी आप समझ जाएंगे। तो अब इसमें कीले ठोक लेते हैं इस साइड से ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे लमसम हमारा ये कह सकते हैं कि 50% तक तैयार हो गया है। अब ये हमारा इस हिसाब से, जैसे कि मैं कैमरे के सामने रखूंगा तो यहाँ से मेरा यूं निकल के अब ये रह गया है। ऊपर तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मोबाइल ही ऐसे भी रखूंगा काम चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप रहेगा हमारा इस हिसाब से कि हमें किस हाइट पर रखना है। एक्चुअली बताऊँ तो ये हाइट भी बेस्ट है, इतनी हाइट तो होना चाहिए। और उसके बाद हमारा ये रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे ऐसे निकालना, बट उससे पहले हमें एक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा ये इस तरीके से, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करे तो मैं काम करूँ कोई और इजली वो काम हो जाए। तो अब यहाँ पे इसे ठोक देते हैं गाइस। अब बस एक लास्ट प्रोसेस रह गया है हमें, जो हल्का सा और काटना पड़ेगा। हम इस तरीके से काट के और यूं इसे फिट करेंगे, बट हम चाहें तो अब इसे इस तरीके से, मैं सोच रहा था फिट करने की बट इस तरीके से गाइस ये यहाँ पे, बट ये ज्यादा छोटा नहीं जाएगा। ये तो भाई ज्यादा बड़ा है, हमें तो कल बस इतना ही चाहिए, इतना लमसम कट जाएगा तो सही हो जाएगा, इसके बाद हम इसे यूज कर पाएंगे। तो यहां से इसे अपने हिसाब से काट लेते हैं, ये इतना काफी रहता। कटिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये बन गया है लमसम, आप मोबाइल इस तरीके से मान सकते हैं। और यहाँ पे मैं रख के इजीली अब कुछ भी करूंगा तो नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी फिक्स रहेगा और अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले मैं कैमरा ऊपर पकड़ के हाथ से करता था, अब फिक्स रहेगा और मेरा जो बॉटम का है वो पूरा दिखाएगा। तो गाइस ये था पूरा फंडामेंटल, और ये गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस आपने देखा पूरा प्रोसेस किस तरीके से बना। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।